भाई आज हम आए थे मेरे टीम आए थे शिवा भाई के पास। भाई की स्पेशलिटी है यूरोपियन डोबरमैन, तो दिखाएंगे आपको। यूरोपियन डोबरमैन काफ़ी सारे हैं भाई के पास, और मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, और पपीज भी अवेलेबल हैं। तो वैसे मेरे आस पास इतने सारे यूरोपियन डोबरमैन देखे नहीं, जितने भाई के पास मैंने देखे हैं। और वैसे देखने में यूरोपियन ही अच्छे लगते हैं। यानी भैया मैंने ना मेरे भैया के यहाँ से ली थी तकरीब 10 महीने पहले, उस महीने और भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनके यहाँ से आया क्या नहीं है वो मेरे को इतना मैटर नहीं। वो मैंने कभी चीज़ अच्छी नहीं मुझे जो शॉप से ले आए, क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी हो गया इसकी। एज कितनी होगी भैया इसकी? 10 महीने इसकी एज होगी। 10 महीने के हिसाब से तो गाइस काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। वैसे कितने टाइम बाद मीटिंग करवाते हो आप? 18 महीने की बात, कम से कम एज 18 महीने, तो एज कम से कम 18 महीने। ये बहुत आसान सुना हुआ है लेकिन कैमरा कौन सी है सर? मेरी गुड़िया है छोटी सी एक, एक ही भाई है छोटा और इनकी देख रेख करता हूँ ये। डिजाइन की देख रेख करते इसलिए देख रहा हूँ। तो अभी आपको एक मेल हो और ये भी काफी अच्छी क्वालिटी में है, ये थोड़ा शांति क्वालिटी में मेल है। ये सुना था भैया से डिटेल होती है, तो इसकी डिटेल होता है भैया ने 6 साल वेट करके भाई 6 साल वेट करके मुझे पसंद आ गया, मैं जाकर के सुपारी मठा के लिया। 3 साल वैसे स्टार्ट सर्विस के लिए अवेलेबल है तो गाइस ये वैसे ये जो मेल आप देख रहे हो स्टार्ट सर्विस के लिए भी अवेलेबल है। और भैया भी बता रहे थे कि अगर फीमेल अच्छी हो, मगर मतलब कि अगर फीमेल की क्वालिटी अच्छी हो तो भैया सोच लेते हैं मीटिंग के लिए, तो ऐसा ही है भैया? फीमेल अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, जैसा मेल है उस टाइप, मतलब फीमेल है ना, तो गाइस अगर क्वालिटी अच्छी है फीमेल की तो भैया सोच लेते हैं मीटिंग के लिए। और बाकी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। कलर कौन सा भैया? ये भैया ब्राउन कलर है। और ये वाला भैया ब्लैक, ये ब्राउन में है और ये ब्लैक है। वैसे भी प्यार करते हैं, प्यार तो सभी करते हैं, जब इनसे प्यार करेंगे तो ये भी हमसे प्यार करेंगे। प्यार करने वाले डॉग ब्रीड है। ये कहते हैं कि बहुत काटने वाली एग्रेसिव ब्रीड होती है, सब बेका कहने वाली बातें हैं, कहने वाली सब सुन। गाइस एक्टिव बहुत ज्यादा लग रहा है, मैंने क्वालिटी देख सकते हैं। मैं इससे ज्यादा फ्रेंडली ब्रीड ही नहीं मानता डॉग्स में कोई। सबसे ज्यादा फ्रेंडली मानते हैं, मेरा मानना तो यही है। हमारे घर में जितने बच्चे हैं, एक मेरी बेटी 1 साल की, वो भी इसके पास है, सबके साथ रहती है, फ्रेंडली गाइस। फैमिली और फैमिली के साथ मतलब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो सब सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसकी एज कितनी होगी? इसकी एज होगी कोई 3.5 साल की। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन के पप्पीज जो कि भाई के पास अवेलेबल हैं। तो ये वाला मेल देख रहे हो आप और ये फीमेल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से काफ़ी अच्छे पप्पीज हैं जो कि भाई के पास अवेलेबल हैं। और तो एक बार आप क्वालिटी देखो पप्पीज की।
कलर भी आप देख सकते हो काफी अच्छा है। ये फीमेल पप है और ये अपनी मम्मी पे गई है कलर में। तो गाइस वैसे इनकी एज अभी 41 डेज की है। तो वैसे ये सेल के लिए अवेलेबल है कोई पालने में इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो बाकी मैं तो ये कहूँगा अगर कोई इनकी केयर कर सकता है रख सकता है घर में तो ही ले वरना कोई ना ले। अगर आप केयर कर सकते हैं तो छोटे घर के हिसाब से टाइम देना पड़ता है वैसे हर ब्रीड को और वॉकिंग वगैरह करवा। हाँ एक प्लॉट है हमारा बाहर की तरफ कोई 500 गज का, उसमें छोड़ देता हूँ सुबह के टाइम में अपनी मर्जी से घूम फिर के। खुला छोड़ देते हो गाइस? भैया खुला छोड़ देते हैं इनको, शाम को भैया का प्लॉट है उसमें। और वैसे जो हमने अभी इससे पहले पप्पी दिखाया था उसका कलर अपने रेड का था, इस वाले का कलर इसकी मम्मी का है। तो ये वाले कलर से ये भाई है इनका नाम हरकट आ गया है, मतलब भाई मान लो एक टाइम के साथ में खड़े हुआ है, एक साथ ही मान लो कुछ भी मान लो ये तो बड़प्पन है भैया का भाई बहुत साथ देते हैं। अरे हमारे विनोद भाई और शिवा भाई दोनों बड़े भाई की तरह है अपने। विनोद भाई का तो होना है वो बड़े भाई हैं, वो तो सभी के हाथ सर पे हाथ रख देते हैं एक तरीके से, उनकी बात अलग है जो भी देने से भी भाई। ये भैया देख सकते हो तो भैया आपने वैसे अमेरिकन लेने की सोची, मतलब स्टार्टिंग से आपका यूरोपियन का ही शौक था? भैया मेरा था मन की डोरेमोन पालो, डोरेमोन पालो। हाँ अब डोरेमोन पालने का मन था मेरा, फिर मेरे भैया आए थे राइंडर गुजर, उनके वो दोस्त हो गए अमेरिकन डोरेमोन का, अमेरिकन डोरेमोन। हाँ तो उनके यहाँ पे ये पपी था, उनके पास में डोगे रो गुजर जी के यहाँ का डोगा, तो उसके पपी थे ये दो, एक मेल एक फीमेल, तो फीमेल मैं आया था मेल भैया ने सेल कर दिया तो वहाँ से ले गया यहाँ पे फीमेल। फिर मैं वहाँ से ले गया, फिर मैंने इसको मैट कराने की सोची, इसको मैटिंग के लिए आया तो मैंने इसको मैट कराने की सोची, तो फिर मैंने क्या किया मैं गया विनोद भैया के पास, तो मैंने वहाँ पे जाके देखे यूरोपियन डबल मैच, तो मुझे कुछ एक अपडेट सी चीज़ लगी, मैंने वहाँ पे देखा हर डबल मैन ऐसे भी होते, तो मेरा इंटरेस्ट डबल मैन में बढ़ता गया और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे भी डोरेमोन होते हैं जैसे मैंने विनोद भैया के यहाँ पे देखा। तो वॉइस क्वालिटी का तो डिफरेंस होता है और अमेरिकन जो होते तो ये भी अच्छे हैं, लेकिन उनमें क्या होता है उनके एक हेड मसल्स वगैरह उनका टेम्परामेंट एक अलग ही होता है, उसके लिए बीमार कम पड़ते हैं सबसे मेन बात है, और कैसे भी फूड से उनको सब मिली मान लो एडजस्ट हो जाते हैं। सर्दियों में रह लेते हैं सब रह लेते हैं, ये बहुत ही हार्ड ब्रीड है ये। और कम से कम 2 घंटे चाहिए अपने ओनर के साथ, 2 घंटे कम से कम। और फीड कितने टाइम देते हो? फिर मैं 2 टाइम देता हूँ, 2 टाइम मतलब वो फीड देते हो या मतलब मैं ऐसा राइस वगैरह, राइस होते हैं, चिकन होता है, एग्स होते हैं और अपना फूड वगैरह भी होता है जो मार्केट से आता है वो फूड वगैरह। वैसे एक्चुअली हम तो ज़्यादातर अपना यू ही देते हैं, राइस हुआ, चिकन हुए, एग्स हुए, मैं तो वो देते हैं 2 टाइम देते हैं। और भी देते हैं बीफ वगैरह? नहीं 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 कुछ नहीं देता, सिर्फ चिकन राइस और एग्स। चिकन का भी ये है कि हाँ अगर वो तो ना भी इसी को देना पड़ता है, बाकी मैं तो ज़्यादातर एग्स ही देता हूँ, मोस्टली एग्स ही देता हूँ और कुत्ते फिट रहते हैं अपना। ओके
और मतलब ट्रेनिंग आप बोल रहे थे जैसे प्लॉट में करवाते तो कितनी देर, एक घंटा दो घंटे कितनी देर करवाते हो? ये मान लो करीब एक एक डेढ़ घंटा सभी दो कुत्तों, जो कुत्ते एडजस्ट हो जाते हैं साथ में लड़ते नहीं है, उन दो कुत्तों के साथ छोड़ देता हूँ और वो फिट रहते हैं। एक डेढ़ घंटा भाई, एक डेढ़ डेली पूरा डेली सुबह में भी शाम में। मैंने बताया था भाई ये छोटा हूँ, वो शाम के टाइम में भी वो घुमाता है, सुबह में घुमाते हैं। वाइज भैया वैसे दो टाइम घुमाते हैं मैं। और तो पहले आपने शौक के तौर पे पाले हुए हैं? पहले भी शौक के तौर पे था, अभी शौक के तौर पे है, अब भी शौक के तौर पे। वाइज अभी भी शौक के तौर पे या भैया के डोबरमैन। और वैसे आपने इसके पप्पी सेल किए थे अमेरिकन के पहले? हाँ सेल किए थे। तो इसकी एज कितनी होगी भैया वैसे? इसकी 4.5 साल की। 4.5 साल, साढ़े चार साल इसकी होगी। ये भी बहुत मतलब इसका भी बहुत है ना एक ट्रेंडिंग नेचर है इसका भी। और कलर आपको यही पसंद आया है? हाँ कलर तो मुझे ज़्यादातर यही पसंद आया, कलर तो इसके दोनों ही अच्छे हैं, जो टाइम पे मिल जाए वो अच्छे इसका है। बाकी ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि होंगी नहीं, दिखाई नहीं देती जल्दी। तो इस चीज़ तो अलग है भैया के पास और काफ़ी सारी हैं। तो अभी आपको मिलवाते हैं भैया के पिताजी से, तो भैया से ही पूछते हैं, काफ़ी स्पेशल पर्सन है। तो भैया जी बताइए। भैया मेरी माँ और मेरे फादर दोनों यही, और मतलब मान लो मुझे हर तरीके की सपोर्ट होती हूँ। मैं अमेरिकन फीमेल लेके आया था, मैंने जिद करी और मैं पिताजी को साथ लेके आया गाड़ी में, और मुझे वो फीमेल मिली सिर्फ उसकी बिन्नी की बदौलत है वो। बाकी मैं ऑफिस चले जाता हूँ, मेरे बाद में जो भी करते हैं सब यही पिताजी से मानते हैं। हाँ मतलब ये मान लो एक मुझे जो कहते हैं ना कि हाँ एक हर तरीके की सपोर्ट होती है। कई बार देखा मैंने कि आप डॉग्स वगैरह रखने में ना आने वाला गुरु सब जो भी है, मुझे इनकी सपोर्ट इतनी है कि अगर ये ना हो तो कुछ भी सेटअप एक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल और मुझे कई बार ऐसा हो जाता है कि पैसे भी नहीं होते, कई बार ऐसा हो जाता है कि पापा जी वो चीज चाहिए, कोई बात नहीं हम हैं तो, वरना कई बार अब भाई और भी हैं हम तो सबके अपने अलग अलग शौक हैं, लेकिन कभी मेरे शौक में कभी कमी नहीं हुई, वो सब देनी नहीं थी, सब जो भी कुछ है नहीं थी। तो वैसे अंकल को डॉग्स का शौक था पहले से? सबसे पहले नहीं था, बचपन से। तो कोई ब्रीड थी स्पेसिफिकली कोई ब्रीड? लैब लैब रहते ही तो वो बात करी है। लैब से ही? हाँ जी। वो तो पहले लेके आए थे आप? हाँ। कितने साल रखा आपने पूरे में? वो हमने रखा 13 साल। 13 साल? हाँ। क्या क्या नाम था? मास्टर। मास्टर था वो, उसका फादर था जस्टन राजिंदर सिंह है, निसाड़ी के ही रहते हैं विवेक यार, उनसे भी आता। तो स्टार्टिंग की आज ही थी। हाँ। और उसके बाद फिर आप डॉबरमैन पे आ गए थे, बीच में और कोई डॉग ब्रीड ले रहे हैं? नहीं बस फिर तो जर्मन शेपर्ड भी आया था, भैया राजेंद्र भैया हमारे, उन्हें बहुत शौक है जर्मन शेपर्ड का, तो जर्मन शेपर्ड भी पाल ले। जर्मन शेपर्ड भी है अपने पास में, वो घेर में है, अभी सेटअप तैयार हो रहा है हमारा बन करके, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें, तब नेक्स्ट वीडियो में शूट करा देंगे आप। सभी हैं मतलब स्टार्टिंग आपने लैब से ही की थी? स्टार्टिंग लैब। जब आप आपकी एज क्या हो गई है? तो यूँ ऐसी था कोई मतलब जो 3-4 साल का। 3-4 साल गई थी मतलब फैमिली में सभी ऐसे हैं कि हाँ किसी को ऐतराज नहीं है इस चीज़ का कि नहीं डॉग्स मत पालो या कोई ऐसी बात हो, बस मतलब जो है लगाव जो हुआ ऐसे ही हुआ, मतलब जो बच्चे तो और भी थे जब उस टाइम पर, इससे तो जब कोई पैदा भी नहीं हुआ जब पालने चालू कर दिए थे, और जरा सा मतलब जो इसे लगाव हो गया था मतलब इसका ही ध्यान रहेगा इतना। तो बचपन से भैया खेलते हैं? हाँ जी। मेरे पिताजी बताते हैं कि मैं छोटा था तो मैं ऐसी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो मैं इनका पप्पी उठा लाया था एक, और वो मैंने ला के भैंस की खोल में रख दिया था, सुबह पापा ही नहा करने जा रहे थे तो उन्हें, तो फिर तब कौन से वो ली थी वो जर्मन शेपर्ड, फिर हमने जर्मन शेपर्ड ले ली थी राजेंद्र भैया से। राजेंद्र भैया भी हमारे मतलब कि एक ऐसे हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, लेकिन वो हमेशा करते सही बात में सपोर्ट है, वो कहते हैं कि सही में हमेशा साथ खड़ा हुआ हूँ, गलत में कभी साथ। हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो भैया की स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग थी, और आपका तो बचपन से ही शौक हो गया। हाँ जी मेरे तो बचपन।